खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदा रजा मुस्तफ़ा की। डीएसपी सर्कल सफदराबाद राणा इकबाल ने थाना मानावाले में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें लोगों की शिकायत सुनी गई और मुख्तलिफ आए हुए साइलीन को इंसाफ फराहम करने के लिए मौके पर खसूसी अहकाम जारी किए गए। इस दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डीएसपी राणा इकबाल ने कहा कि आईजी पंजाब की हदायत पर सर्कल सफदराबाद के हर थाने में हफ्ते में एक मरतबा खुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा, जिसका मकसद अवामुनास को सस्ता इंसाफ इनकी दहलीज पर देने में कोई कसर ना छोड़ना होगा। सर्कल के हवाले से बात करते हुए इनका कहना था कि तमाम थानों के SHOs को डकैती राहजानी की वारदातों की रोकथाम के लिए नफरी और गाड़ियां DPO शेखुपुरा एहसन सैफ ने बढ़ा दी हैं, ताकि अवामुनास की हिफाजत और अमन ईमान बरकरार रखने में कोई कमी ना रह सके। मजीद इनका कहना था कि शहरी और देहाती धुंध के दौरान पुलिस के साथ तआवुन करें और ठेकरी पहरा दें, ताकि चोर डाकू धुंध के दौरान चोरी और डकैती की वारदातें सरंजाम ना दे सकें। रिपोर्ट कर रहे हैं मानावाला से हमारे नुमाइंदे रजा मुस्तफ़ा। उसको करें जी, दोबारा करना चाहिए, सेफ होना चाहिए। लेकिन फिर मैं आपके हवाले से ये अपनी पूरी आवाम को कहना चाहता हूँ कि मानावाला नहीं, पूरी आवाम को कहना चाहता हूँ कि ये वारदातें, ये चीज़ें उस वक्त तक कंट्रोल नहीं होंगी जब आवाम का तावन पुलिस के साथ नहीं होगा। अभी मैंने एक कुआ देखा है, तो वहाँ उसने बताया कि जी वो बस रात को हम कुंडी लगाना भूल गए थे छत के ऊपर। तो जाहिर है इस माशरे में चोर भी चलते हैं, आते हैं, सजाएं भी मिलती हैं, नहीं भी मिलती। अब अगर एक आदमी घर में गोल्ड भी रखता है और कैश भी रखता है और रात को अपने दरवाजे को बंद भी नहीं करता, तो ये ना सिर्फ उसकी गलती है।